गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आठ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिखाऊंगा सिर्फ दस मिनट के अंदर अंदर यह वीडियो बहुत खतरनाक होने वाला है सिर्फ क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है इसलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नाइनटीन में डेनिस रिची ने बनाया था और डेनिस रिची ने नाइनटीन में इसको एक कन्वीनियंस के तौर पर बनाया था ताकि प्रोग्रामर्स जो कि पहले सी से ज्यादा कम कन्वीनियंस वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते थे उन्होंने उनके लिए जिंदगी को आसान बना दिया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलेटिवली बहुत फास्ट रन करती है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्योंकि वो हार्डवेयर के बहुत ज्यादा नजदीक है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है उन सिस्टम्स को प्रोग्राम करने के लिए जो कि हार्डवेयर को बहुत नज़दीकी से प्रोग्राम करना चाहते हैं जैसे कि माइक्रोवेव ओवन की जो आपकी डिस्प्ले वगैरह होती है उनको प्रोग्राम करना हो या फिर कोई ऐसा डिवाइस जो कि माइक्रो प्रोसेसर पर चलता हो या फिर कोई ऐसा छोटा सा डिवाइस जो कि कम मेमोरी कम पावर कम कंप्यूट पर चलता हो तो वो सारी चीज़ों को प्रोग्राम करने के काम आती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है एक बिगिनर को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए इसीलिए बहुत सारे लोग इसको रिकमेंड करते हैं एज फर्स्ट लैंग्वेज कोई भी प्रोग्रामर अगर प्रोग्रामिंग करना चाहता है तो अब अगर सी लैंग्वेज को मैं बताऊं बताऊंगी फ्रीलेंसिंग करने में कितनी अच्छी है तो मैं कहूंगा कि सी लैंग्वेज शायद उतनी अच्छी ना हो अगर आप लोग फ्रीलैंसिंग करके पैसे कमाना चाहते हो आपको प्रोजेक्ट मिल गया तो आप डेफिनेटली बहुत सारा लगी है लेकिन सी लैंग्वेज फ्रीलैंसिंग उतनी अच्छी तरह से आप लोग नहीं कर पाएंगे अगली लैंग्वेज की तरह करता हूँ प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल होता है जब आप लोग प्रोग्रामिंग को रियल वर्ल्ड सिस्टम से मॉडल करना चाहते हैं जैसे कि एक गेम बनाना चाहते हैं आप लोग एक इंसान जो कि रियल वर्ल्ड एंटिटी है उसको गेम के अंदर मॉडल करना चाहते हैं और आप क्लास के फॉर्म में उसको लिखना चाहते हैं तब वहां पर सी जैसी ताकत और सी प्लस प्लस जैसी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है जो कि चीजों को मॉडल करने में और ऑन टॉप ऑफ दैट और भी बहुत सारी कन्वीनियंस है सी प्लस प्लस के अंदर सी की एक एडवांस वर्जन इसको बोला जा सकता है गेम डेवलपमेंट जब होता है तो आपने अगर यहां पर रिमोट में बटन दबाया और वहां पर जो है हो रहा है दो मिनट के बाद दो मिनट क्या दो सेकेंड के बाद भी अगर वो एक्शन लेगा तो आप लोग कहोगे यार ये गेम खराब है ये नहीं खेला जा रहा है ये स्लो चल रहा है तो वहाँ एक सेकेंड की लेटेंसी भी आपको स्लो लगती है तो इसलिए फास्ट रन होनी चाहिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि इस तरह के काम करवाती हो वहाँ पर सी प्लस प्लस का इस्तेमाल होता है अगली लैंग्वेज की तरफ मूव करता हूँ और ये मेरी पर्सनल फेवरेट है जिसका नाम है आपने सही गैस किया पाइथन पाइथन जो है वो यूज़ होती है इनफैक्ट ये सब कुछ में यूज़ होती है ये एक जनरल पर्पज ऑब्जेक्ट ओरिएटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको गुइडो वन रॉसम ने एज अ हॉबी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था नाइन्टीज़ के अराउंड और वो हॉबी प्रोजेक्ट इतना अच्छा बन के निकला कि मैं मैं तो गुइडो वॉन रॉसम साहब को धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना अच्छा हॉबी प्रोजेक्ट निकाला क्योंकि आज की तारीख

स्लो भी रन नहीं करती है कि काम ना हो पाए इनफैक्ट अगर आप लोग देखोगे कंपेयर करोगे इसको तो आपको लगेगा कि यार ही तो फास्ट ही थी मैं तो फालतू में टेंशन ले रहा था तो स्लो सिर्फ इन थ्योरी है पाइथन एक बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसको मैं सजेस्ट करता हूं कि आप लोग एज अ पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग में अब सी लैंग्वेज सीखने का लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है क्योंकि जो पाइथन प्रोग्रामिंग है उसमें फ्री लैसिंग का काम आप लोगों को मिल जाते हैं बड़ी आसानी से आप लोगों को बहुत ही आराम से सीडो कोड की तरह आप लिखो अपना पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और आपका काम हो जाता है तो उन सारी चीजों में जो पाइथन प्रोग्रामिंग है वो बड़ी अच्छी कारगर साबित होती है अगली लैंग्वेज की तरफ मूव करूंगा जिसका नाम है जावा जावा को बनाया था सन माइक्रो सिस्टम से उन्नीस के करीब और उन्होंने थोड़ी सी इंस्पिरेशन ली थी सी प्लस प्लस से और सी प्लस को एक ऐसी लैंग्वेज के तौर पर वो बनाना चाहते थे जो कि वेब एप्स बनाने में काम करे, अलग अलग करती है। लेकिन वहां पर आप करेंटेज्राइड प्रोग्रामिंग कर सकते हो आप फोन की जो अपनी एप्स होती हैं वो सब बना सकते हो जावा से तो जावा में थोड़ा जो प्रोग्रामर का एक्सपीरियंस था उसको भी अच्छा करने की कोशिश की गई थी और इसलिए जावा को जो है बनाया था सन माइक्रोसिस्टम्स में जावा के बारे में अगर आप लोग और चाहते हैं तो मेरे चैनल पर ट्यूटोरियल पढ़ा हुआ है आप लोग एक्सेस कर लेना उसको और देख लेना जावा पूरा सीख भी लेना जावा अलग से भी डाला हुआ है एंड्रॉइड भी डाला हुआ है तो दोनों आप देख सकते हो अगली लैंग्वेज की तरफ मूव करूंगा जिसका नाम है जावा अब जावा को 90's में बनाया गया था वेब की के लिए। वेब की की क्लाइंट क्लाइंट साइड साइड स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग के के लिए लिए इसको बनाया गया था लेकिन अराउंड टू क्या किया था रैंड डॉल्फ ने इसको एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर इनफैक्ट जो ब्राउजर का जावा इंजन है उसको उठा के एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर डाल दिया और बनी नोट जे और इसकी मदद से इसको और भी चीजों में काम में लिया जा सकता था अब जैसे कि बैकएंड की एप्स लिखना और जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग करना और भी कई चीज़ें उसमें भी इसको यूज़ हो रहा है और ये काफ़ी इवॉल्व कर रही है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट आ रही है उसी के साथ साथ आपके एरो फंक्शंस मैप और जो नए नए अच्छे अच्छे फीचर्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मॉडर्न लैंग्वेज के फीचर्स जिसको बोला जाता है वो इसमें जुड़ते जा रहे हैं तो टाइम के साथ साथ बहुत एक्साइटिंग होती, होती, होती है तो वहां पर आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं फ्री के। लेकिन अब मैं अगली लैंग्वेज की तरफ मूव करूंगा जिसका नाम है पीएचपी पीएचपी को प्राइमेली बनाया गया था वेब की लैंग्वेज के तौर पर और वेब बैकेंड की लैंग्वेज के तौर पर ये यूज होती है सिंपली एच के अंदर एम्बेड करके अगर आप लोग वेबसाइट्स का बैकहेंड लिखना चाहते हैं तो आप पीएचपी इस्तेमाल कर सकते हैं पीएचपी काफ़ी पावरफुल है इनफैक्ट बीच में इसको थोड़ा सा लताड़ा गया था कि यार पी अच्छी नहीं है पी स्लो रन करती है पी अजीब है पी तो पुरानी हो गई लेकिन पी ने अपने आप को इवॉल्व किया और पी एच ने साबित कर दिया है कि आज भी आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स के लिए पी यूज़ कर सकते हैं इनफैक्ट यानी जो वर्ड है अपना जिससे इतनी सारी वेबसाइट्स पावर्ड है वो भी तो पी में लिखा हुआ है और भी पी के इतने सारे फ्रेमवर्क हैं कि पी एच पी पर डिपेंडेंसी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतनी बढ़ गई है कि लोग पी को चाह के भी नहीं छोड़ सकते हालांकि फेसबुक ने थोड़ा सा चेंज किया है अपने आप को अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्प्लिट किया है इनिशियली फेसबुक ने पीएचपी में स्टार्ट किया था वो एक दूसरी बात है यार फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी है बिग टेक है तो उसको आप ना ही देखें तो अच्छा है एच आज भी एक बहुत बढ़िया लैंग्वेज है अगली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है स्विफ्ट स्विफ्ट और और को को बनाया था एप्पल ने आईओएस के एप्लीकेशंस बनाने लिए और इसको एक मॉडर्न सा टेस्ट दिया था एक मॉडर्न सा टच दिया था ताकि जो डेवलपर्स हैं उनको काफी अच्छा लगे स्विफ्ट में प्रोग्रामिंग करना इसके बाद में बात करना चाहूंगा सी शार्प की जो सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो विंडोज के डॉट नेट फ्रेमवर्क पर अच्छी अच्छी एप्लीकेशन बनाने के काम आती है जैसे कि अगर आप लोग बनाना चाहते हो विंडोज के लिए जीओवाई या विंडोज के लिए आप वेब एप्स भी बनाना चाहते हो विंडोज सर्वर पे आराम से आप होस्ट कर सकते हो इनफैक्ट आजकल तो डॉट नेट की जो एप्स हैं वो आप लिनक्स में भी चला सकते हो अगर आप लोगों ने मेरा सी शार्प का ट्यूटोरियल ही देखा है तो वो आप लोग देख लेना उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है लेकिन इनिशियली जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है वो आया था विंडोज़ के लिए और उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए बन गया और ओपन सोर्स भी हो गया सो आई होप कि आप लोगों को जो है समझ में आ गई होंगी ये लैंग्वेजेस जिनके बारे में मैंने बहुत ही जल्दी आप लोगों को बताया कुछ अलग सा करने का मन कर रहा था इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जाए अब यहाँ पर आप ये मत समझना कि मैं आप लोगों को ये जो लैंग्वेजेज तो पूरी सिखा दूंगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कोई भी लैंग्वेज आप लोग इतनी जल्दी नहीं सीख सकते इतना तो आप भी समझ रखते हो लेकिन हाँ एक बेसिक आइडिया होना हर लैंग्वेज का बहुत जरूरी है आई होप मैंने वो इस वीडियो के थ्रू कर दिखाया अगर आप लोग को लगता है तो यार लाइक करो इस वीडियो को और थोड़ा सा आप लोग मुझे सपोर्ट करें वीडियोस को शेयर करके अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे मैं इस तरह के आप लोगों के लिए बहुत सारे कोर्सेज लेकर आता रहूंगा अब ये जितनी भी लैंग्वेजेस मैंने बताई है ना इनमें से सारी लैंग्वेजेस के एक्सेप्ट स्विफ्ट मेरे पास कोर्सेज हैं लेकिन मैं जल्दी स्विफ्ट का भी लेकर आऊंगा ट्यूटोरियल लेकिन बाकी जो सारी लैंग्वेजेस हैं उनमें मैंने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना के इनफैक्ट पाइथन को तो इन डेप्थ कवर किया हुआ है तो चैनल चेकआउट कर लो अगर आप लोग नए हो तो सो अगर आप लोग मेरा ये चैनल खोलोगे तो आप लोगों को यहाँ पर पता चलेगा कि मैंने बहुत सारे कोर्सेज बना रखे हैं जैसे कि ये पी का कोर्स मैंने बना रखा है इसमें पैसेड वीडियोज़ हैं और सी का कोर्स मैंने बना रखा है अब अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट के बिगिनर हैं तो मैं कहूँगा कि आप लोग यहाँ से स्टार्ट करें इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट और बैक एंड होस्टिंग के साथ सब कुछ सिखा रखा है आपको जीरो से सिखाया जाएगा किस तरह होस्टिंग करना है किस तरह आप लोगों को वेबसाइट्स बनानी है रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है एच टी एम एल के टैग सी एस एस जावा स्क्रिप्ट पूरा आप लोगों को शुरू से लेकर आखिर तक मैंने दिखाया है आप लोगों को बस अपना टाइम लेकर आ जाना है इस कोर्स में फिर मेरे पास और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास पायथिन जेंगो और मैं ऐड करता रहता हूँ कोर्सेज तो हो सकता है जब आप देख रहे हो तो काफी और कोर्सेज ऐड हो जाए तो आप लोग आराम से हिंदी में अगर देखना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो आप लोगों को पता चलेगा कि दो तरह के फॉर्मेट्स होते हैं मेरे पास यहाँ पर एक तो मेरे पास वन वीडियो वाला फॉर्मेट होगा जिसमें कि मैं एक वीडियो के अंदर जो कि एक दो घंटे का वीडियो होता है उसके अंदर मैं सारा कुछ दिखाता हूँ आप लोगों को और एक होता है मेरे पास बड़े कोर्सेज जो कि करीब बीस बीस घंटे के कोर्सेज होते हैं पूरे तो उसमें डेफिनेटली आप लोगों को मैं इन डेप्थ प्रैक्टिस के साथ सिखाऊंगा लेकिन मेरा जो वन वीडियो वाला कोर्स होता है वो कभी कभी क्विकली कुछ चीज़ें सीखने के लिए अब जैसे आप लोगों को से पाइथन ऑलरेडी आती है बट आप लोग काफ़ी टाइम से आपने काम नहीं किया है और आप लोग जो है रिवीजन करना चाहते हैं तो आप मेरा पाइथन इन वन वीडियो देख सकते हो तो वन वीडियो का अपना एडवांटेज होता है और जो ये कोर्सेज़ होते हैं अगर आपको बिल्कुल प्रोग्रामिंग भी नहीं आती जीरो से आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप लोग यही देखो कभी कभी जो होता है प्रोग्रामर्स को जिनको कुछ नहीं आता है वो लोग आते हैं वन वीडियो देखने के लिए और वो भी सही है क्योंकि उन लोगों को एक आइडिया लग जाता है कि ये लैंग्वेज है क्या और बहुत ही कम टाइम में उन लोगों को एक आइडिया सा हो जाता है कि हाँ इस लैंग्वेज में मैं ये ये सीखूंगा अगर कोर्स करूँगा तो और उसके बाद जो है फिर वो कोर्स देखने के लिए आ जाते हैं सो आई होप कि आप लोगों के लिए सारे कोर्सेज हेल्पफुल एक बार जरूर चेकआउट करना तो ये थी मेरी आठ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो कि मैंने आप लोगों को दस मिनट के अंदर अंदर अच्छा और आप लोगों को इस बारे में भी कुछ आइडिया मिल गया होगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए तो अब इस वीडियो के बाद आप लोग मेरा चैनल खोलो और उसमें प्ले सेक्शन में जाकर आपकी जो फेवरेट लैंग्वेज है आप लोग को लर्न करनी चाहिए उसका कोर्स उठा के और लर्निंग चालू कर दो ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच गायस वॉचिंग एन एलसी time.